हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिट रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलिशियस और बहुत ही हेल्दी लहसुनी मेथी। ये रेसिपी बहुत ही झटपट और आसानी से बन जाती है और ये रोटी, फुलका या फिर पराठे के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। मसाला से भरपूर, टेस्ट में भरपूर ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेगुलर मेथी से ये कुछ अलग है। सबसे पहले हम एक ग्राइंडर जार में एक टेबलस्पून रोस्ट की हुई और छिलके निकाली हुई मूंगफली ले लेंगे। साथ ही में हम इसमें एक टेबलस्पून तिल भी मिला देंगे और एक टेबलस्पून हमने यहाँ पे इसमें बेसन भी मिला दिया है। 3 टेबलस्पून पानी मिला के इसका हम एक स्मूथ और फाइन पेस्ट बना देंगे। हमने मूंगफली को तवे पे रोस्ट करके उसको थोड़ा ठंडा करके उसके छिलके निकाल दिए थे। एक स्मूथ और फाइन पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। जब पेस्ट रेडी हो जाएगा तब हम इसे साइड में रख देंगे और एक कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून घी ले लेंगे। घी जब गर्म हो जाएगा इसमें हम 1/4 टीस्पून जीरा मिला देंगे और जैसे ही जीरा चटकने लग जाएगा इसमें हम 5 से 6 कलियां लहसुन की क्रश करके मिला देंगे। लहसुन को हम तब तक सौटे करेंगे जब तक उसमें से अच्छी खुशबू ना आ जाए और फिर उसमें 20 मिनट तक भिगोई हुई 2 कप या 1 बड़ा गुच्छा मेथी का फाइनली चॉप करके मिला देंगे। अगर आपकी मेथी कड़वी है तो आप जब इसे पानी में भिगोए तब उसमें थोड़ा सा नमक मिला लीजिएगा। इसे हम मीडियम फ्लेम पे तब तक सौटे करेंगे जब तक इसमें से पूरा पानी ना निकल जाए। और जब मेथी से पूरा पानी ड्राई अप हो जाएगा और ये वॉल्यूम में भी इस तरह से श्रिंक हो जाएगी तब हमारी मेथी बनके तैयार है। मेथी का कलर भी बहुत अच्छा आया है और घी में सेकने से इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आएगा। जब इस तरह से ये तैयार हो जाएगी हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। उसी पैन में हमने 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। जैसे ही तेल गरम होता है इसमें 1/2 टीस्पून हम जीरा मिला देंगे। जैसे ही जीरा चटकने लग जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप हुई लहसुन मिलाएंगे और इसे अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पे सौटे करेंगे जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आ जाए। लहसुन की हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च मिला देंगे। लाल मिर्च को मिला के कुछ सेकेंड के लिए हम इसे फ्राई करेंगे और फिर 1 बड़ा प्याज फाइनली चॉप करके इसमें मिला देंगे और इसे तब तक सौटे करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ना होने लग जाए। आप इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए सौटे कीजिएगा। जब ये थोड़ा सा गोल्डन होने लग जाएगा तब हम इसमें 1 बड़ा टमाटर फाइनली चॉप करके मिला देंगे और इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि टमाटर थोड़े से मशी ना हो जाए, मतलब वो थोड़ा गलने ना लग जाए। हम देख सकते हैं कि टमाटर थोड़े थोड़े गलने लग गए हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब बारी आती है इसमें बनाया हुआ पेस्ट मिलाने का। जो हमने मूंगफली, तिल और बेसन का पेस्ट बनाया था उसे हम इसमें मिला रहे हैं और इसे हम अच्छे से कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक। जैसे जैसे हम इसे कुक करते जाएंगे वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा और ये तेल भी छोड़ने लग जाएगा। इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई को चिपके ना। आप देख सकते हैं कि ये जो पेस्ट है वो अच्छे से कुक हो रहा है, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। हमारा पेस्ट गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम मसाले मिलाएंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। साथ ही में इसमें हम नमक स्वाद अनुसार मिला देंगे। मसालों को हमें अच्छे से कुक करना है जब तक कि उसमें से साइड से तेल निकलना शुरू ना हो जाए। ये इंडिकेशन है कि मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं पेस्ट के साथ और अच्छे से पक भी चुके हैं। तेल निकल रहा है साइड से। अब इसमें मेथी मिलाएंगे। जो हमने फ्राई की थी ना उसी मेथी को हम इसमें मिला रहे हैं और इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि सब्ज़ी थोड़ी ड्राई है, तो इसमें अब हम 1/4 कप पानी मिला रहे हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा पानी भी मिला सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करके तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी में उबाल आ चुका है और हमारी मनचाही कंसिस्टेंसी भी आ गई है सब्ज़ी की। बस हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे और इसे एंजॉय करेंगे फुलका, रोटी या फिर पराठे के साथ। अगर आप चाहें तो इसे चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं।
स्वाद में भरपूर इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।